अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नदीम शहजाद फ्रॉम गैलेक्सी मोबाइल। तो आज हम आए एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम अनबॉक्सिंग करेंगे इन्फिनिक्स के एक नए मॉडल की, जो कि स्मार्ट 8 प्रो के नाम से वेरिएंट मार्केट में लॉन्च हुआ है, जो स्मार्ट 8 और स्मार्ट 8 प्लस से हटकर एक मार्केट में ये वेरिएंट मार्केट में आया। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। अगर हम बात करें इसमें कलर्स की, तो कलर हमें इस मॉडल में चार तरह के कलर मिल जाएंगे, जो कि ब्लैक, वाइट, ग्रीन एंड गोल्ड, चार तरह के इस मॉडल में हमें कलर मिल जाएंगे। इसमें रैम मेमोरी की बात करें तो स्मार्ट 8 प्रो जोन सा वेरियंट आया, ये 4+4 रैम और 128 GB वाला वेरियंट एक ही वेरियंट मार्केट में आया। इसे हम कंपनी जो मेंशन करती है वो 8 GB रैम और 128 GB की स्टोरेज को डिक्लेयर करती है। इसमें हाईलाइट्स की बात करें तो बॉक्स की बैक साइड पे काफ़ी चीज़ों को मेंशन किया गया, जिसमें मेन कैमरे को मेंशन किया गया, इसमें रिफ्रेश रेट को मेंशन किया गया, इसमें इस मॉडल के जो बैटरी को मेंशन किया गया। तो मोबाइल की हम कर लेते हैं जी हम अनबॉक्सिंग, तो फिर देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या फीचर्स अलग से हमें स्मार्ट 8 या स्मार्ट 8 प्लस से हटकर क्या क्या फीचर्स इसमें मौजूद हैं। तो अगर हम बात करें मोबाइल को अनबॉक्स करते ही जी मोबाइल डिवाइस दी गई है, तो मोबाइल को हम कर लेते हैं जी ऑन। तो मोबाइल के ऑन होने तक हम चेक कर लेते हैं इसकी एसेसरी। तो दोस्तों एसेसरी की बात करें तो एसेसरी में सबसे पहले हमें अडाप्टर मिल जाता है, जो कि 2 एम्पेयर का इसमें नॉर्मल क्वालिटी वाला इस मॉडल में अडाप्टर देखने को मिल जाएगा, जो कि स्मार्ट 8 प्लस में जो था अडाप्टर है वो इससे थोड़ा बेहतर क्वालिटी वाला दिया गया, जो कि 18 वाट का, लेकिन इसमें हमें 10 वाट का अडाप्टर दिया गया स्मार्ट 8 प्रो में। केबल की बात करें तो केबल हमें टाइप सी पोर्ट के साथ में केबल दी गई है। केबल के अलावा हमें इस बॉक्स में इस मॉडल के साथ जो सा हमें केस दिया गया वो हार्ड प्लास्टिक वाला केस में साथ में मिल जाएगा, जो कि साइडों से खाली और बैक इसकी जो सी है वो हार्ड प्लास्टिक वाली हमें दी गई है। इसके अलावा इस बॉक्स में हमें सिम इंजेक्टर देखने को मिल जाएगी और इन्फिनिक्स का हमें 1 ईयर का वारंटी कार्ड मिल जाएगा इस बॉक्स के अंदर। तो मोबाइल की हम सेटिंग कर लेते हैं जी कम्प्लीट। तो दोस्तों मोबाइल की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोबाइल की बैक लुक की। तो बैक लुक आप देख सकते हैं कि बैक जो है वो काफ़ी हैंडसम सी बैक दी गई है, जो कि स्मार्ट 8 और स्मार्ट 8 प्लस से बिल्कुल मिलती जुलती इसकी बैक दी गई है, जो कि इन्फिनिक्स के ऑलमोस्ट सभी मॉडल में इसकी बैक जो है वो सेम आ रही है। अगर हम बात करें इसकी बैक की, तो बैक हमें प्लास्टिक वाली बैक दी गई है। मेन कैमरे की बात करें तो मेन कैमरा डुअल सेटअप के साथ दिया गया, जो कि 50 MP का इसमें हमें मेन कैमरा मिल जाएगा। साथ में हमें LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगी। मोबाइल की नीचे वाली साइड की बात करें, नीचे वाली साइड पे हमें इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग नज़र आ जाएगी। मोबाइल की साइडों की बात करें तो राइट साइड पे हमें साइड माउंटेड फिंगर मिल जाएगा। वॉल्यूम अप डाउन कीज दी गई हैं। नीचे वाली साइड की बात करें तो नीचे वाली साइड पर हमें हैंड फ्री जैक दिया गया, माइक दिया गया, टाइप सी की हमें चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी। अगर हम बात करें इस मॉडल के स्पीकर की, तो स्पीकर हमें सिंगल दिया गया, जो कि 200+ वॉल्यूम वाला इसमें स्पीकर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मोबाइल की लेफ्ट साइड की, तो इसमें हमें सिम ट्रे मिल जाएगी। इसे भी ओपन करके मैं चेक करवा देता हूँ। तो सिम ट्रे की बात करें तो हमें डुअल सिम डालने के लिए स्लॉट्स दी गई हैं और SD कार्ड डालने के लिए अलग से इस मॉडल में स्लॉट मिल जाएगी। अगर हम बात करें इस मॉडल के डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले इस मॉडल में स्मार्ट 8 प्रो में हमें 90Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.6 इंच का नॉर्मल डिस्प्ले दिया गया। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 5 होल वाला इस मॉडल में कैमरा दिया गया, जो कि 8 MP का इसमें सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। तो इसके पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो मेन कैमरा इसमें 50 MP का दिया गया। तो मैं इसकी आपको क्लिक करके इसका रिज़ल्ट भी चेक करवा देता हूँ। पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो पिक्चर क्वालिटी हमें 50 MP का इसमें कैमरा मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी क्वालिटी वाली पिक्चर क्लिक कर रहा है। इसमें हमें फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा 8 MP का दिया गया। इसके मैं आपको रिजल्ट इसका फ्रंट का भी चेक करवा देता हूँ। तो दोस्तों फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा भी हमें इसमें एक अच्छी क्वालिटी वाला फ्रंट कैमरा दिया गया, जो कि 8 MP के लिहाज से एक अच्छी क्वालिटी की पिक्चर क्लिक कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैमरे को ओपन करते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे हमें ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि आल कैम का ऑप्शन मौजूद है, वीडियो का ऑप्शन मौजूद है इस मॉडल में, टाइम लैप्स का ऑप्शन दिया गया, ब्यूटी का ऑप्शन मौजूद है, पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया गया। इसके अलावा हमें आल शूट पर जाएँ तो इसमें फ्रंट कैमरे में काफ़ी सारे इमोजी आपको मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें इसमें एंड्रॉयड वर्जन की, तो एंड्रॉयड वर्जन 13 स्मार्ट 8 प्रो में एंड्रॉयड वर्जन मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर स्मार्ट 8 प्रो में जो सा दिया गया वो हमें ऑक्टा कोर का प्रोसेसर दिया गया। चिपसेट हमें एक नॉर्मल क्वालिटी वाला चिपसेट भी इसमें मिल जाएगा, जो कि हीलियो G36 का इस मॉडल में चिपसेट दिया गया। मेन जो सी चीज़ है इस मॉडल की बैटरी है, तो बैटरी हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाएगी, जिसमें अडाप्टर जो सा मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें हमें
10 वाट का नॉर्मल क्वालिटी वाला इसमें अडाप्टर भी मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें इस मॉडल की इनवॉइस की, तो इनवॉइस ये 4GB रैम और 128GB वाले वेरियंट की इनवॉइस जो है वो 27,000 रुपये इनवॉइस रखी गई है। लेकिन ये आपको इनवॉइस पे या इनवॉइस प्लस रेट पे अभी नया मॉडल आने की वजह से ये मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की अपडेट आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।